हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप माई एलेवन सर्कल ऐप पर अपनी खुद की एक अच्छी खासी टीम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी माई एलेवन सर्कल ऐप पर टीम बनाना नहीं आता है या कोई परेशानी आ रही है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी अच्छी तरीके से अपनी टीम बना सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों बढ़ते वीडियो में आगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें दोस्तों। और अगर आपको इसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट में अपना कमेंट जरूर करें दोस्तों। सो दोस्तों बढ़ते वीडियो में आगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, माई एलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। जैसे हम इसे ओपन करते हैं फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है दोस्तों। ये ऐप जो है ओपन हो रही है दोस्तों। ओपन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है, तो हम इसे यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ये जो है हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड करेगा, तो उस OTP को हम यहाँ से फिल कर देते हैं। ये OTP ऑटोमेटिक फिल हो चुका है फ्रेंड्स। OTP फिल करने के बाद देख सकते हैं आपके जो मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस दिखेगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के बीच में जो है वो मैचेस चलते रहते हैं, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो है वो किसी में भी बेटिंग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अगर आपको फुटबॉल या क्रिकेट की अच्छी नॉलेज है तो आप इस ऐप का यूज़ बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग डेली की यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं आपको टीम किस तरीके से बनानी है। सो फ्रेंड्स टीम बनाने के लिए आपको सिंपली किसी एक अपकमिंग मैच के ऊपर क्लिक करना है, तो जैसे हम इस वाले पर क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे कि लोडिंग ले रहा है यहाँ पर नीचे आपको आना है क्रिएट योर टीम वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्रिएट न्यू टीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं विकेट कीपर, बैटिंग, ऑलराउंडर और बॉलर के जो चार ऑप्शन दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी एक प्लेयर सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर उनके जो पॉइंट्स हैं उनको देख करके और यहाँ पर जो इनके कितने परसेंटेज लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया है वो आप यहाँ से देख कर इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम पहले नंबर वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कि किसी को भी जो है वो ज़्यादा परसेंट नहीं मिला है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर जिसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और थर्ड वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भी आपको ऊपर वाले को दो को सेलेक्ट कर लेना है, तीन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉलर में आते हैं, बॉलर में आने के बाद हम यहाँ पे भी तीन को सेलेक्ट कर लेते हैं, बचा एक और, तो आप यहाँ अपने हिसाब से किसी को भी सेलेक्ट कर ले सकते हैं। हम यहाँ ऑलराउंडर में एक और को सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से दिमाग लगा लेते हैं तो आप एक अच्छे प्लेयर के रूप में प्ले कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखना है कि विकेट कीपर और कैप्टन किसे बनाना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि बात की जाए कैप्टन की, तो कैप्टन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसे मिला है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस वाले बॉलर को मिला हो रहा है, तो हम इसे कैप्टन बना देते हैं। कैप्टन के बाद बात आती है वॉइस कैप्टन। सो दोस्तों वॉइस कैप्टन के लिए हम यहाँ पर किसी जिसके भी ज़्यादा परसेंटेज लोगों ने सेलेक्ट किया वो सब हम बना देते हैं। तो इसे जो है 42% लोगों ने सेलेक्ट किया तो हम इसे बना देते हैं। बनाने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सेव टीम पर क्लिक कर देना है। सेव टीम पर क्लिक करने के बाद आपको अगर कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर ज्वाइन नाउ पर हमें क्लिक कर देना है। ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते ही आपका जो कॉन्टेस्ट है वो ज्वाइन हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी हमें कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है, तो हम इसे सिंपली यहाँ से रहने लेंगे और बैग ले लेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो इस ऐप पर जो टीम बनाई जाती है फ्रेंड्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।